वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवाम के लिए ईद का तोहफा, 1 मई से मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्पीडफुल इन एक्शन, 1 साल से बंद 27 में से 20 बिजली घर फाल कर दिए। इमरान खान की कॉल पर पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के जिले दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहिरे, इस्लामाबाद में रेड जोन सील कर दिया। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में पीटीआई कारकुनान जमा होना शुरू हो गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 1 रोज़ा दौरे पर पिशावर जाएंगे, पार्टी रहनुमाओं और सूबाई पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब भी करेंगे। बेटी को जिंदा देखकर खुशी हुई, लेकिन ये झूठ है कि हमने तशद्दुद किया। दुआ के वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुआ का पासपोर्ट दिखा दिया जिसके मुताबिक उम्र 13 साल है। वालिद का बच्ची को कराची लाने का मुतालबा, बेटी को प्रेशराइज नहीं किया। दुआ को चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा जाए, मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए। बच्ची को यहाँ पे कराची में लाया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन मेरे हवाले नहीं किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाए और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। वालिद पुलिस और दीगर को हिरासा करने से रोका जाए, कराची की दुआ ने लाहौर सेशन कोर्ट में दरखास्त दे दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद करवा दिया, कहा पसंद की शादी की, किसी ने अगवा नहीं किया, शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। अदालत ने पुलिस, वालिद और दीगर फरीकैन को हिरासा करने से रोक दिया। दुआ को तहवील में लेने के लिए कराची से AVCC की टीम लाहौर रवाना हो गई। लड़की की कराची मुंतकली के बाद उम्र के तायुन के लिए बोन टेस्ट करवाया जाएगा। साबिक वजीरे कानून फरोग नसीम की वकालत के लाइसेंस बहाली की दरख्वास्त जस्टिस काजी फायस ईसा वुकला इनरोलमेंट कमेटी की सरबराही से दस्तबरदार। पाकिस्तान बार काउंसिल को खत लिखकर आगाह कर दिया। फरोग नसीम ने लाइसेंस बहाली में ताखीर पर जस्टिस काजी फायस ईसा पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। उमर सरफराज चीमा को 3 रोज कबल डायरिया के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिसकी वजह से हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी भी ना हो सकी थी। और लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की हालत ना बदल सकी, गायनी वार्ड की छतों और दीवारों में घास फूस उगाई, ICU और PD की दीवारों में पानी से नमी आने लगी, वार्ड्स वॉशरूम्स गुजरगाहों में गंदगी, सीवरेज का निजाम बुरा हाल।